नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हिपेटोलॉजिस्ट, आज आपसे लिवर सिरोसिस के बारे में बात करूंगा। लिवर सिरोसिस बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लिवर सिरोसिस के कारण के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, और इसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट करते हैं उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब मैं आज में बात करूँगा लिवर सिरोसिस के पेशेंट को किस प्रकार की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर का सिकुड़ जाना, लिवर का छोटा हो जाना, लिवर का फंक्शन के कम हो जाना एक फैक्टर है। लिवर जब सिकुड़ जाता है वो अपना काम करना कम कर देता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना कम कर देता है, ब्लड को जमने के लिए जो चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती है, प्रोटीन कम होना शुरू होता है। तो लिवर के पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है हाई प्रोटीन डाइट का लेना, क्योंकि लिवर खुद प्रोटीन कम बना पा रहा है, तो हमें हमारी डाइट में अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन इन पेशेंट ऑफ सिरोसिस। दूसरा रिकमेंडेशन ये होता है नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम इसलिए करना चाहिए, लिवर सिरोसिस में लिवर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लिवर के अंदर जो प्रेशर है उसको ज़्यादा होने से ब्लीडिंग का, पेट में पानी आने का रिस्क होता है। उस रिस्क को कम करने के लिए नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और अगर कोई लेना ही चाहता है नमक, यानी कि अगर किसी को प्रेशर कंट्रोल में आ चुका है, पेट में पानी नहीं है, तो 3 से 5 ग्राम नमक हम एक दिन में अलाउ करते हैं। नमक अगर ज़्यादा लेते हैं तो पाँव में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, लीवर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कम नमक और हाई प्रोटीन डाइट लीवर सिरोसिस के पेशेंट को लेना चाहिए। इसके अलावा हाई कैलोरी डाइट लेना चाहिए। अगर किसी को फैटी लीवर की वजह से लीवर सिरोसिस हुआ है तो उनको कम फैट और कम शुगर वाली डाइट लेनी चाहिए, ताकि अपना वेट वो कंट्रोल करके रखें, साथ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें ताकि उनको कैलरीज यानी एनर्जी मिलती रहे। अगर किसी को अल्कोहल की वजह से या वायरस की वजह से है, दुबले पतले हैं, तो उनको हाई कैलरी डाइट लेनी चाहिए। लिवर सिरोसिस होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें उबला खाना ही खाना है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, कैलरीज बहुत कम लेते हैं, एनर्जी की मात्रा नहीं रहती है। जबकि लिवर्स के पेशेंट्स में हम यही रिकमेंड करते हैं, नमक कम, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी डाइट आपको लेनी चाहिए, ताकि लिवर को सपोर्ट मिले। लिवर को सपोर्ट मिलेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, फिटनेस अच्छी रहेगी, घूमना फिरना रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप होंगे। कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप होते हैं, जैसे पेट में अगर पानी आता है तो नमक हम काफ़ी मात्रा में बंद करते हैं, पर उसमें यह भी ध्यान रखना होता है, अगर नमक की मात्रा कम करने से किसी को हाइपोनेट्रेमिया यानी कि ब्लड में सोडियम बहुत कम हो गया है, तो उसमें नमक का सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। अगर सिरोसिस एडवांस होता है तो उसमें लिवर कैंसर्स, ब्लीडिंग या पेट में पानी आने का रिस्क होता है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरा, मैं रिकमेंड करूँगा कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को कम से कम 3 महीने के अंदर अपने डॉक्टर से मिलकर अपना अल्ट्रासाउंड और अपने ब्लड टेस्ट करवाकर एक बार चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसका जल्दी डिटेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर लिवर सिरोसिस एडवांस होता है तो फिर इसका एक ही मात्र सोल्यूशन बचता है, लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही महंगा है और बहुत ही मुश्किल भी है। हालांकि उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, फिर भी अगर लिवर ट्रांसप्लांट से हम बचना चाहते हैं, उसको कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं, तो अच्छी डाइट, नमक कम, हाई प्रोटीन डाइट हमें लिवर सिरोसिस में लेनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।